हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है वर्षा। मेरा यूट्यूब चैनल वर्षा हम डेकर्स और ब्लॉग्स। और मैं आज आप लोगों को एक यामी टेस्टी एंड डिलीशियस ये राजमा रेसिपी बना के दिखाऊंगी। ये राजमा देखने में बहुत ही सिंपल होता है, मगर बनाने के बाद खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम राइस में खा सकते हैं, चपाती में भी खा सकते हैं। और अभी मैं आपको ये राजमा रेसिपी बना के दिखा रही हूँ। मेरे जैसे राजमा रेसिपी आप भी बना सकते हैं घर पर। तो मैं एक गिलास राजमा को रात भर भिगो के रख दी थी और मैं इसको प्रेशर कुकर में डाली हूँ। उसके बाद मुझे रेड चिल्ली पाउडर चाहिए था, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ऑनियन एंड हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और जीरा, अभी गरम मसाला, उसके साथ चाहिए 3 बड़ा टमाटो पेस्ट, 1 तेज पत्ता, 2 इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी, बड़ा नहीं छोटा साइज का दालचीनी डाल सकते हैं, और 3 लौंग और 2 ग्रीन चिली। अभी प्रेशर कुकर में हम इस राजमा को डाल देंगे और उसके साथ 2 ग्लास वाटर डालेंगे। और गाइस, मैं वाइट कलर का राजमा ली हूँ। ये राजमा बहुत ही टेस्टी होता है। ये देसी राजमा बोलते हैं उसको। और राजमा 2-3 टाइप का होते ही है, मैं मगर वाइट कलर का राजमा से बना रही हूँ। और उसके साथ मुझे डालना है 1 तेज पत्ता और 2 इलायची। दो दालचीनी का टुकड़ा, और 3 लौंग। इसको मैं अभी ढक के 3 सीटी हो गया है अभी मेरा। और देखिए, मेरा अभी राजमा पक गया है। देखो कितना सॉफ्ट बना है मेरा राजमा। और आप लोगों को सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट बना सकते हैं, और अगर इतना सॉफ्ट नहीं चाहिए तो आप 2 सीटी मार के निकाल सकते हैं। अभी एक कढ़ाई रखी हूँ मैं गैस के ऊपर, इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डालना है। मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, आप 3 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद जीरा डालिए, 1 चम्मच जीरा, और 2 बड़ा साइज ऑनियन पेस्ट। इसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स करिए। अभी मेरा फूट रहा है, मिक्स हो रहा है धीरे धीरे। जैसे कि हमारा ऑनियन अच्छे से पक जाए, वैसे ही हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और गाइस, ये राजमा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी डालना है मुझे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल सकते हैं। दो ग्रीन चिली, इसको भी मिक्स करिए। ऐसे धीरे धीरे मिक्स करते रहिए और बीच में थोड़ा थोड़ा वाटर डालते रहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। थोड़ा मतलब थोड़ा ही वाटर डालिए। और गाइस, ये राजमा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आता है। उसमें भरपूर परिमाण में प्रोटीन होता है। ये हम रोटी में खा सकते हैं और राइस में भी खा सकते हैं। इस राजमा को हम गरम गरम खाने से बहुत ही टेस्टी लगेगा गाइस, सच में। आप उंगली चाटते रह जाओगे जब भी बनाओगे ऐसे। मैं जैसे बना रही हूँ, आप भी वैसे ही बनाओ, बहुत ही टेस्टी बनता है। अरे, मुझे अभी हल्दी पाउडर डालना था, 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच से हल्दी पाउडर डाल दीजिए। और थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाते रहिए और थोड़ा सा वाटर डालिए, नहीं तो नीचे जल जाएगा। और उसके साथ मुझे
रेड चिल्ली पाउडर डालना था और उसको भी मैं अभी मिक्स कर रही हूँ। आप जितना तीखा खाते हो उतना आप रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हो। अभी देखो ये उबल रहा है धीरे धीरे और मिक्स हो रहा है मसाला, अच्छा लग रहा है दिखने में भी। और ये राजमा रेसिपी ना आप ऐसे ही बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये ना राजमा हम छोटे बच्चे से लेकर सब लोग खा सकते हैं, और छोटे बच्चे एक बार ये खाएंगे तो सच में दोबारा बनाने के लिए बोलेंगे आपको। ये देखो मेरा अभी मसाला बन चुका है, अभी मुझे डालना है उसके ऊपर टमाटो पेस्ट। 3 बड़ा टमाटो पेस्ट में डाली हूँ। उसको धीरे धीरे मिक्स करना है जिससे कि टमाटो से अपना कच्चापन छूट जाए उतने उस टाइम तक। मतलब 2 मिनट आप ऐसे ही मिलाते रहिए, धीरे धीरे ऐसे मिक्स करते रहिए। अभी उबल रहा है और देखिए इसमें अभी उबल रहा है, ऑयल निकल रहा है। और उसके बाद मुझे डालना है स्वाद अनुसार नमक, उसको भी धीरे धीरे मिक्स करिए। अभी मेरा ये उबल रहा है, ये पेस्ट बन चुका है। उसके ऊपर मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। और ये राजमा आप ना जल्दी से बना सकते हो। और ये ज़्यादा कोई मसाला नहीं है, सिंपल सा रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और अभी मुझे डालना है राजमा, और अभी इसको धीरे धीरे मैं अब मिक्स करते रहूँगी जब तक कि राजमा का अंदर मसाला अच्छे से पक जाए। और ऐसे ही मिक्स करते रहिए धीरे धीरे। और ये राजमा जल्दी से बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है और कम समय में इतना टेस्टी और डिलीशियस बनता है कि हम खाते ही रहते हैं और अच्छा लगता है खाने से। और देखिए अभी राजमा कितना अच्छा लग रहा है और टेस्टी, और बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें। अभी ऐसे 2 मिनट आप उबालिए। और धीरे धीरे ऐसे ही मिक्स करते रहिए। और आपको थोड़ा और जूस चाहिए तो आप वाटर डाल सकते हो, मगर मैं इतना ही, मुझे इतना जूस ही अच्छा लगता है तो मैं इतना ही रखी हूँ और वाटर नहीं डाली हूँ ज़्यादा। अभी लास्ट में आप ना ये राजमा MDH मसाला डाल सकते हैं। और ये राजमा MDH मसाला बहुत ही टेस्टी होता है, डालने से बहुत ही अच्छा स्मेल आता है इसमें। और राजमा ना बहुत ही डिलीशियस यम्मी एंड टेस्टी बनता है। और लास्ट को ऐसे थोड़ा सा आप मिक्स कर दीजिए। और मेरा राजमा रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा तो आप भी घर पर बना सकते हो ऐसे।
ये बन चुका है, 2 मिनट हो गए। अभी मुझे धनिया पत्ता डालना है और मैं डाल चुकी हूँ धनिया पत्ता। और लास्ट को ऐसे ही आप अभी ढक दीजिए और गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दीजिए। और बन गया मेरा राजमा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।